खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं यूपी में तमाम कड़े कानूनों के बाद भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है। यहां 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम बच्ची को पड़ोस का ही युवक घुमाने के बहाने खेत में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और नाजुक हालत देखते हुए बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। खून से लथपथ बच्ची जैसे तैसे घर पहुंची तो वहीं परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो शाहजहांपुर की यह घटना है, जहां पर 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। आपको बता दें कि पड़ोस का ही युवक बच्ची को घुमाने के बहाने खेत पर ले गया और वहां उसके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बच्ची की हालत नाजुक देखकर युवक घबरा गया और बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। तो जैसे तैसे बच्ची अपने घर पहुंची, परिजनों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस में तहरीर दी। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और युवक की तलाश की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहा है? क्या आरोपी का कोई सुराग यहां पर लग पाया है? 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। दीपक, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। दीपक, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरी घटना में? जिस तरीके से 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, क्या किसी तरह का कोई सुराग यहां पर पुलिस के हाथ लग पाया है आरोपी को लेकर? देखिए, बिल्कुल, आरोपी अभी फरार है। जिस तरह से साहिल ये बात की जा रही है कि जिस तरह से लगातार ये पड़ोसी था, पड़ोसी ने मिठाई खिलाने के बहाने उस बच्ची को बुलाया था और उसके बाद उसके साथ हैवानियत जैसा हैवानियत की थी, उसके बाद ये सीधा सीधा ये सामने आ रहा है कि जो आरोपी है वो फरार है। पुलिस की कई टीमें उसको खोज रही है, लेकिन फिलहाल मामला दर्ज हो गया था और उसके बाद पुलिस ये कह रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हैवानियत का इसने जो आरोपी है, इसने ये चाचा लगता था जो बच्ची है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो पुलिस अधीक्षक है वो सतर्क है। उनका सीधा कहना है कि 2 दिनों के अंदर आरोपी जो है वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। जी दीपक, वहीं एक तरफ प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर या बच्चियों के साथ जिस तरीके से ये दुष्कर्म की वारदातें बढ़ रही है उसे रोकने के लिए कारगर कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें तो लगातार जो ये बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदातें हैं या महिला अपराधों की हम बात करें तो वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? तरह से मिशन शक्ति चली, जहां पर पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिशन शक्ति है वो फेल साबित हो रही है। महिलाओं के प्रति लगातार जो है असुरक्षा पैदा हो रही है, सुरक्षा के नाम पर कोई चीज नहीं है। कहीं ना कहीं जो 7 साल की बच्ची के साथ रोजा में रेप हुआ, रोजा थाना क्षेत्र में, कहीं ना कहीं ये बड़ी एक हैवानियत है। और जो उसका चाचा है वो अभी फरार है, पुलिस लगातार उसको खोज रही है, गिरफ्तारी करने के लिए दावा कर रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल है पुलिस पर, सवाल आखिर पुलिस पर इसलिए है कि जो मिशन शक्ति के तहत बात करती है, जो मिशन शक्ति के महिला हेल्प डेस्क खोला है, आखिर उसका क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा? या कि जब महिलाओं के साथ ही असुरक्षा पैदा हो रही है, बच्ची के साथ रेप हो रहा है साहिल जी। चलिए दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यूपी के शाहजहांपुर की यह घटना है, जहां पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे झाड़ियों में फेंककर आरोपी फरार हो गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।